दोस्तों क्लास के इस पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि व्यापार के लिए जो फिक्स्ड असेट्स खरीदी गई हैं, अगर उनका उपयोग टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड दोनों ही प्रकार की गुड्स के प्रोडक्शन और सप्लाई के लिए किया जाना है तो उनकी परचेज की एंट्री कैसे करेंगे, उन पर कितना और कैसे ITC क्लेम किया जा सकेगा और इन फिक्स्ड असेट्स पर लगे GST के ITC रिवर्सल की एंट्री टैली में कैसे की जाएगी, ये सारी जानकारियां मैं आपको इस क्लास में देने वाला हूं। दोस्तों इस क्लास के पिछले पार्ट में हम सीख चुके हैं ऐसी फिक्स्ड असेट्स की खरीदी की एंट्रीज जिनका उपयोग सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई के लिए ही किया जाता है। साथ ही पिछले पार्ट में हम GST में फिक्स्ड असेट्स के लेजर और इससे संबंधित अन्य लेजर्स बनाना भी सीख चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा हो तो चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें क्योंकि उसमें कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप चाहें तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद वया पर। तो आइए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आप इन फिक्स्ड असेट्स पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं और इस डेप्रिसिएशन को इनकम टैक्स में खर्चे के रूप में बता रहे हैं तो GST एक्ट के हिसाब से उस संपत्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट या ITC नहीं ले सकते हैं। यहां पर यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि ITC सिर्फ उन्हीं असेट्स पर क्लेम किया जा सकता है जिनका उपयोग टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन या सप्लाई के लिए किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो स्थायी संपत्ति आपने खरीदी है अगर उनका उपयोग आप एग्जेम्प्टेड गुड्स के प्रोडक्शन या सप्लाई के लिए करते हैं तो उनकी खरीदी के समय दिए गए GST की आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। अगर फिक्स्ड असेट्स या कैपिटल गुड्स का उपयोग टैक्सेबल गुड्स के साथ साथ ही एग्जेम्प्टेड गुड्स के प्रोडक्शन या सप्लाई के लिए भी किया जा रहा हो तो कुल प्रोडक्शन या सप्लाई का जितना भाग एग्जेम्प्टेड गुड्स के प्रोडक्शन या सप्लाई के लिए किया जा रहा होगा उतने भाग पर लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट या ITC को रिवर्स करना होगा। यह रिवर्सल की एंट्री कैसे की जाएगी वह भी हम अभी इसी क्लास में सीखने वाले हैं। तो इसे अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण देख लेते हैं। दिनांक 1 अप्रैल 2021 को श्री आदिनाथ मशीनरी से एक मशीन खरीदी 1,00,000 रुपए में, GST 18%। यहां पर इस उदाहरण में हम यह मान रहे हैं कि इस खरीदी जा रही मशीन का उपयोग टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड दोनों ही प्रकार की गुड्स के प्रोडक्शन और सप्लाई के लिए किया जाना है। तो ऐसी दशा में फिक्स्ड असेट्स के लेजर्स और अन्य सभी लेजर्स वैसे ही बनाए जाएंगे जैसे हम इस क्लास के पिछले पार्ट में सीख चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा से उन्हें रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो अब मशीन के परचेज की एंट्री करने के लिए गेटवे ऑफ टैली से वाउचर्स ऑप्शन पर एंटर कर देते हैं और फिक्स्ड असेट्स को खरीदने की एंट्री करने के लिए शॉर्टकट की F9 प्रेस कर देते हैं। दोस्तों यहां पर आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि इस प्रकार की फिक्स्ड असेट्स को खरीदने की एंट्री करने के लिए वाउचर मोड को अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में रखना होगा ना कि आइटम इनवॉइस मोड में, क्योंकि फिक्स्ड असेट्स हमारा स्टॉक आइटम नहीं होती है और इसलिए इनके परचेज की एंट्री आइटम मोड में ना करके अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में करना होती है। तो मोड बदलने के लिए कंट्रोल के साथ H प्रेस कर देते हैं और लिस्ट ऑफ मोड्स में से अकाउंटिंग इनवॉइस मोड को सेलेक्ट कर लेते हैं। मोड चेंज हो गया है और अब हम यहां पर सप्लायर्स इनवॉइस नंबर और डेट को एंटर कर देते हैं। अब पार्टी अकाउंट नेम वाले फील्ड में हम यहां पर उस सप्लायर का लेजर ले लेते हैं जिससे हमने इस मशीन की खरीदी की है। तो मैं यहां पर श्री आदिनाथ मशीनरीज का लेजर सेलेक्ट कर लेता हूं। कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके रिसीट डिटेल से आगे बढ़ जाते हैं और एक बार और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके पार्टी डिटेल से भी बाहर आ जाते हैं। जैसा कि इस क्लास के पिछले पार्ट में भी बताया जा चुका है कि पर्टिकुलर्स में हमें उस असेट का लेजर लेना है जिसे खरीदा जा रहा है, तो मैं यहां पर मशीनरी का लेजर सेलेक्ट कर लेता हूं और अब मशीनरी का अमाउंट एंटर कर देते हैं। इसके बाद टैक्स के लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं। टैक्स की कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली आ गई है और अब कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इस वाउचर को सेव कर लेते हैं। ITC की जानकारी देखने से पहले मैं आपको इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में दिखा देता हूं। Alt के साथ F1 प्रेस करके डिटेल्ड मोड में चेंज करने पर आप देख सकते हैं कि यहां पर फिक्स्ड असेट्स हेडिंग में हमारे द्वारा खरीदी गई मशीनरी का लेजर दिखाई दे रहा है और ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप में 18,000 रुपए दिखाई दे रहे हैं जो कि माइनस में है। इसके बारे में हम इसी क्लास के पिछले पार्ट में भी सीख चुके हैं कि लाइबिलिटी साइड में माइनस होने का मतलब है कि यह हमारी असेट है न कि लाइबिलिटी,
कहने का मतलब यह है कि ये टैक्स के रूप में हमें चुकाने नहीं है, बल्कि हमें इन पर ITC या इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। एग्जेम्प्टेड गुड्स के प्रोडक्शन और सप्लाई पर लिए गए ITC का रिवर्सल कैसे होगा, वह समझाने से पहले एक बार इसे हम GST रिपोर्ट्स में देख लेते हैं। इसके लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स से GST रिपोर्ट्स पर चले जाते हैं और अब GSTR 3 भी देख लेते हैं। यहाँ पर एलिजिबल ITC में 18,000 रुपये दिखाई दे रहे हैं और यह पूरा ही अमाउंट GSTR 3B फाइल करके क्लेम किया जा सकता है। अब हम मान लेते हैं कि इस मशीन का उपयोग करके हम हर महीने टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड दोनों ही प्रकार की गुड्स की सप्लाई करते हैं, तो कुल टर्नओवर का जितना भाग एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई का होगा उस भाग पर लिए गए ITC के रिवर्सल की एंट्री कैसे की जाएगी, अब वह समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो यह जान लें कि GST एक्ट में कैपिटल गुड्स की लाइफ 5 साल या 60 महीने मानी गई है। अब जैसा कि इस उदाहरण में हमने ITC क्लेम 18,000 रुपये लिया है, तो 18,000 रुपये को 60 महीने से भाग देने पर 300 रुपये आता है, जो कि हमारे द्वारा मशीन खरीदने की तारीख से अगले 60 महीनों में बट गया है। अब हमें अगले 60 महीनों तक हर महीने यह देखना होगा कि उस महीने के कुल टर्नओवर का कितना भाग टैक्सेबल गुड्स का है और कितना भाग एग्जेम्प्टेड गुड्स का है। अगर उस माह का पूरा टर्नओवर सिर्फ टैक्सेबल गुड्स का ही है तो हमें कोई भी ITC रिवर्सल की एंट्री नहीं करना होगी, और यदि किसी माह का पूरा टर्नओवर सिर्फ एग्जेम्प्टेड गुड्स का ही है तब हमें उस माह में पूरे 300 रुपये की ITC रिवर्सल की एंट्री करना होगी। अब हम समझते हैं कि अगर किसी माह के कुल टर्नओवर में टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड दोनों ही प्रकार के गुड्स की सप्लाई की जा रही है तो ऐसी दशा में क्या करना होगा। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि किसी माह का कुल टर्नओवर 50,000 रुपये है। अब अगर इस टर्नओवर में 30,000 रुपये टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई के हैं और 20,000 रुपये एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई के हैं, तो पहले तो हम एग्जेम्प्टेड सप्लाई के इस 20,000 रुपये को डिवाइड करेंगे या भाग देंगे उस महीने के कुल टर्नओवर के 50,000 रुपये से, और उसमें गुणा करेंगे हमारे द्वारा लिए गए ITC क्लेम के उस महीने के भाग का, जो कि इस उदाहरण में 300 रुपये है। इसे सोल्व करने पर 120 रुपये आता है, जो कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई पर हमारे द्वारा ली गई ITC है, और इसके लिए हमें ITC रिवर्सल की एंट्री करना होगी। रिवर्सल की एंट्री कैसे की जाएगी, अब वह समझ लेते हैं। इसके लिए फिर से हम गेटवे ऑफ टेली पर आ जाते हैं और रिवर्सल की एंट्री करने के लिए वाउचर्स ऑप्शन पर एंटर कर देते हैं। रिवर्सल की एंट्री करने के लिए वाउचर टाइप को F7 की प्रेस करके जर्नल वाउचर टाइप में बदल लेते हैं। अब स्टेट एडजस्टमेंट के लिए अल्ट के साथ J प्रेस कर देते हैं, जिससे कि हम स्टेच्यूटरी एडजस्टमेंट की एंट्री कर सकें। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में GST ही रखना है और लिस्ट ऑफ नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में से रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेना है। इसके बाद एडिशनल डिटेल्स में कैपिटल क्रेडिट ड्यू टू एग्जेम्प्टेड सप्लाईज रूल 43(1)(h) ले लेना है। अब डेबिट किए जाने वाले लेजर में रिवर्सल ऑफ ITC का लेजर सेलेक्ट कर लें। अब रिवर्सल का अमाउंट 120 रुपये एंटर कर देते हैं। क्रेडिट में पहले CGST का लेजर ले लेते हैं, इसके बाद SGST का लेजर ले लेंगे। अब यहां पर रेट और टैक्सेबल वैल्यू एंटर कर देते हैं। अमाउंट में CGST रिवर्सल के 60 रुपये एंटर कर देते हैं। तो रिवर्सल ऑफ ITC की एंट्री करने के लिए रिवर्सल ऑफ ITC लेजर को हमने डेबिट कर दिया है और CGST और SGST के लेजर्स को 60-60 रुपये से क्रेडिट कर दिया है। अब नरेशन भी एंटर कर देते हैं। तो अब इस प्रकार से हमें हर माह यह देखना होगा कि उस माह में कुल टर्नओवर का कितना भाग टैक्सेबल सप्लाई का है और कितना भाग एग्जेम्प्टेड सप्लाई का है, और एग्जेम्प्टेड सप्लाई वाले भाग के रेशियो में उस माह हेतु ली गई ITC के रिवर्सल की एंट्री भी करना होगी। इस क्लास के अगले पार्ट में हम सीखेंगे कि अगर व्यापार के लिए खरीदी गई फिक्स्ड असेट्स का उपयोग सिर्फ और सिर्फ GST में एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई के लिए ही किया जाना है तो उनकी परचेस की एंट्री टैली में कैसे करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक व शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर भी जरूर टैप कर दें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।